उत्तराखंड के कर्ज को लेकर क्या बोल गए वित्त मंत्री? 73,478 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया, मतलब हम घी पी रहे हैं कर्ज पे, और आप कह रहे हैं कि हम सही नियत से काम कर रहे थे। ये कौन सी नियत थी? मुझे ऐसा कोई एक स्टेट बताइए कि जहाँ पे उसके ऊपर कोई कर्ज ना हो, कि चादर उतनी फैलाएंगे जितने अपने पैर के नाते ही चादर फैलाएंगे। तो पहले किसने फैलाया? अब ये विषय तो होगा ना, मेरा विषय जो आपने प्रश्न में जवाब दिया, खर्चों में कटौती को लेकर आप कुछ कदम उठाएंगे या नहीं, क्योंकि आपके विधायक और मंत्रियों के ऊपर पैसे खर्च। ये आपने कहा कि हमारे ऊपर कर्ज है, मान ये कर्ज आपकी देन भी नहीं है, ये भी इतिहास, लेकिन आप उस कर्ज को कम कैसे करेंगे? ये तो चुनौती है आपके सामने। आपके विधायकों के 3 गुना वेतन बढ़ रहा है, क्या वो परफॉर्मेंस वहां दिखा पाएंगे आप? किस सवाल को सुन नाराज हुए मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल? कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोकायुक्त को भूल गए, क्यों? कनौरी जी का सपना कौन था? तो लोकायुक्त का जो विषय है वो भी अपनी जगह है और कॉमन सिविल कोड अपनी जगह है। आपने आप बतौर अध्यक्ष रह के आपने प्रवर समिति के पास गया, और वो भी सिफारिश, जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो सिफारिश सरकार की तरफ से की गई, विपक्ष ने नहीं की वो सिफारिश, कभी ऐसा हुआ आपने प्रवर समिति के पास भेज दी? देखिए अब ये पिछली गवर्नमेंट में जो उस समय अध्यक्ष विधानसभा के रूप में मेरा दायित्व तो मैंने निभाया, और अब मैं दूसरी भूमिका में हूँ, और इस भूमिका में हमारी सरकार नहीं, मैंने आपको मेरी पूरी बात सुने। कभी ऐसा हुआ कि सरकार की तरफ से सिफारिश की गई हो कि प्रवर समिति के पास भेजने? मेरे संज्ञान में नहीं है, आपके संज्ञान में। मैंने फिर कहा ये पुरानी सरकार का विषय, वो पूरा हो गया। आखिर उत्तराखंड की तस्वीर संवारने को लेकर क्या है प्लान? हमने हरिद्वार अपने इंडस्ट्रियल एरिया बनाया, कोटद्वार इंडस्ट्रियल एरिया बनाया, देहरादून इंडस्ट्रियल एरिया बनाया, बड़ी कंपनियां यहां से वापस जा चुकी हैं, जो पलायन हो रहा है, जो फैक्ट्रियां जा रही हैं यहां से, रोजगार का भी नुकसान, हम खाने में ढूंढ रहे हैं जीएसटी, हम और चीज़ों में जीएसटी ढूंढ रहे हैं, पर जो उद्योग जो वापस जा रहे हैं, जिनसे बड़ा जीएसटी आ सकता था, उनकी तरफ ध्यान नहीं गया, सिंगल विंडो सिस्टम नहीं है हमारे। आज तिलक जी दुर्भाग्य इस बात का है कि जो आदमी मेरे पास आता है, मुझे नौकरी चाहिए, प्राइवेट को नौकरी मानने में तैयार नहीं, रोजगार मानने में तैयार नहीं। आपकी दावेदारी की सीएम बनेगी, आपने इसको पक्का भी किया था कि हाँ मैं दावेदार हूँ, कोई मलाल रह गया? नहीं, अभी जो मेरे मुझे लगता है कि जो मेरे मुंह से एक शब्द निकला था, मैं चौथी बार का विधायक हूँ, तो मैं भी क्या कहूँ। जय उत्तराखंड। देखिए 2 कदम न्यूज़ 1 इंडिया पर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू।